गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितु एंड टूडे आई एम हेयर विद द टॉपिक ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. राइट, हमने अपने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम के बारे में. वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑन आवर प्लैनेट. तो हम अपने प्लैनेट पे बात करते हैं, तो हमारे अर्थ की बात करते हैं, तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. अब इतने सारे एनिमल्स को इंडिविजुअली पढ़ पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक एक को कम्प्लीटली मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली नहीं पढ़ सकते हैं. तो एट दिस टाइम व्हाट वी डिड, वी डू आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इन एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में क्लासीफाई कर दिया. तो क्लासिफिकेशन हमने कुछ करेक्टर के बेस पे किया था. राइट, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था देयर द बेसिकली फ्यू करेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वी क्लासीफाई दीज एनिमल्स इनटू दीज 11 फाइला. राइट, हमने इनको 11 फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके कुछ कुछ करेक्टर्स के बेस पे, कुछ कुछ उनके बेसिकली डिफरेंसेस के बेस पे. तो हमारे एक सबसे कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देम यू ऑलवेज आस्क कि विच वन इज दिस सिमेट्री वन. तो हेयर दिस डायग्राम इज विजिबल टू एवरी वन. दिस डायग्राम शो डेट वी क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिट्री ऑल्सो. क्लियर, तो आपको मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था स्टूडेंट, इकलौता हमारा जो फर्स्ट फाइलम है विच वन इज डेट इज पोरीफेरा, वो इकलौता ऐसा फाइलम है हमारा जिसमें कोई भी सिमिट्री नहीं होती है, ना ही तो रेडियल सिमिट्री दिखेगी ना ही उसमें बाइलेटरल. इट मीन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट फाइलम ऑल द 10 फाइलम पोजेस आउट आइदर रेडियल और बायलेटरल. हमें स्टार्टिंग से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए. इट मीन्स हमारे फर्स्ट वाले फाइलम में जो जानवर आते हैं दे डोजेंट पोजेस आउट एनी टाइप ऑफ द सिमिट्री. एनी टाइप ऑफ सिमिट्री का मतलब क्या है, अगर हम उनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी इक्वल हाव में नहीं ब्रेक डाउन हो पाते या नहीं टूट पाते. तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक. चलिए अब आ जाइए, हम बात करेंगे स्टूडेंट अबाउट द सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की बात होती है स्टूडेंट, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है हम जब उनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं उनकी बॉडी को, दे आर गोइंग टू बी डिवाइड आइदर इनटू इक्वल हाफ और इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ. तो यहां पे मेरे को दिख रहा है अगर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो देर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्री, रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्री. राइट, रेडियल सिमेट्री किसे बोलते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली आई थिंक सबको क्लियरली विजिबल है, जब हम किसी भी प्लेन से एक्सेस को पास करते हैं, एक्सेस समझते हो एक्स एक्सेस या कंप्लीटली वाई एक्सेस, तो हम किसी भी प्लेन से एक्सेस को डिवाइड करते हैं, मीन्स उस एनिमल को किसी भी एक्सेस से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा. सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि हमारे लगभग कॉमन क्या होता है स्टारफिश के अंदर, उसके अंदर यही होता है कि हम उसको किसी भी एक्सेस से कट करेंगे, वेदर इट बी योर कम्प्लीटली एक्स एक्सेस, ठीक है, वेदर मे बी योर वाई एक्सेस, तो हम उससे भी कट करते हैं. ठीक है, तो वहां से जिस भी प्लेन से हम उनको कट करने वाले हैं तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है. और यहां से हमें डायग्रामेटिकली दिख भी रहा है अगर हम उनको यहां से कट कर रहे हैं तो इक्वली हाफ दैट ऑल्सो कंटेन्स द इक्वल प्रपोर्शन. ठीक है, तो दो इक्वल हाफ में उनकी बॉडी कट हो जाती है अगर हम उनको बॉडी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटर एक्सिस से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू रिमेम्बर विच वन ऑर्गेनिज्म या विच वन फाइलम पोजेस दिस टाइप ऑफ सिमेट्री. तो दिस वन इज योर सेकेंड फाइलम, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं विच वन इज इट इज सिलेंट्रेट्स. थर्ड वन इज योर टीनोफोरा, ठीक है, दैट ऑल्सो पोजेस आउट दिस वन सिमेट्री. And after that next one your starfish phylum that is echinoderms, ठीक है, echinodermata बोल देते हैं. तो remember this thing students कि हमारी radial symmetry किस में आती है, that is in your cylindrids, tenophora, ठीक है, and always in the echinoderm. But students that's the most important point, जितने भी adult echinoderm होंगे, remember this one, adult only, जितने भी एडल्ट इकाइनोडर्म्स होंगे उनके अंदर ही हमारी क्या आती है, रेडियल सिमेट्री. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑलवेज द क्वेश्चन अराइज.
कि हमारे सिर्फ एडल्ट जो बिल्कुल पूरी तरीके से लार्वा से एडल्ट में आ चुका है इकाइनोडर्म, उसी के अंदर क्या आती है रेडियल सिमेट्री। अगर हम बात करें लार्वर की तो उस टाइम पे वो हमेशा क्या शो करेगा, डेट शो दिस वन सिमेट्री डेट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो रिमेम्बर दिस वन, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं एडल्ट एंड लार्वर, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। रिमेम्बर दिस वन, व्हेन इट इज इन लार्वर इट इज बाइलेटरल, व्हेन इट इज अडल्ट इट इज रेडियल। क्लियर? और एक्सेप्ट दीज। तो हमारे जो फर्स्ट थे उसमें कोई सिमेट्री नहीं आई स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड फाइलम दैट कंटेन्स दिस वन सिमेट्री मीन्स योर एक्सिस कटिंग इन टू इक्वल हाफ्स, एंड नेक्स्ट वन इज योर ओनली एडल्ट इकाइनोडर्म। चलिए अब आज ये स्टूडेंट बाइलेटरल, आई थिंक डायग्रामेटिकली आपको सबको क्लियरली दिख भी रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जब भी बॉडी को बिल्कुल आइडेंटिकली एकदम से किसी एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो वहां पे आइडेंटिकली उसको दिख रहा है उनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इट मीन्स दिस पार्ट इज कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू दिस राइट वन पाव, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बाइलेटरल। इट मीन्स वेन द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू वन प्लेन इट डिवाइड्स इन टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल, डेट इज नोन एज बाइलेटरल सिमिट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड यू हैव टू बेटरली रिमेंबर विच वन एनिमल्स पोजेस आउट दिस बाइलेटरल सिमिट्री। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आफ्टर दिस वन कौन से, हमारे टीनोफोरा के बाद हमारे आते हैं तो यूर कम्प्लीटली प्लेटी हेलमिंथस एस्कलमिंथस, ठीक है। यू आर कम्प्लीटली इकाइनो एनोल मोलस्क एनोल, तो अप टू द कोर्डेट्स बाइलेटरल सिमिट्री इज प्रेजेंट। तो ये चीज याद रख लेना, आपको आसानी रहेगी। मीन्स आफ्टर दिस वन, ठीक है, कंप्लीट हमारी जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किस उसमें आ जाते हैं, दे पोजेस आउट दिस बाइलेटरल सिमिट्री, उनके अंदर ये वाली सिमिट्री तैयार हो जाती है। तो दीज आर द मेजर वन पॉइंट स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर कि हमने एनिमल्स को उनकी सिमिट्री बॉडी सिमिट्री के भी बेस पे डिवाइड किया है, आइदर दे आर रेडियल आइदर दे आर बाइलेटरल एक्सेप्ट ए सिंगल वन फाइलम डेट इज पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम विच डजेंट पोजेस आउट एनी टाइप ऑफ सिमिट्री। चलिए दूसरे करेक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट। हमने बेसिस ऑफ विच करेक्टर वी क्लासीफाई दीज एनिमल्स, दिस इज द सेकेंड वन करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासीफाई द एनिमल्स दैट इज देयर जर्म लेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक हम ये चीजें पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या हो जाती है, ये जर्म लेयर बनने लग जाती है। तीन जर्म लेयर होती है, एवरीबडी नो अबाउट इट, डेट इज एक्टोडर्म देन मीजोडर्म एंड इनर मोस्ट इज एंडोडर्म, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये चीजें याद रखनी है कि ये तीनों जर्म लेयर कब बनती है, डेट इज मेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। चलिए अब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली स्टूडेंट विजिबल है कि यहाँ पे एक जगह है डिप्लो और एक जगह है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब आता है स्टूडेंट ओनली द टू जर्म लेयर्स आर देयर, ठीक है, जहां पे सिर्फ दो ही जर्म रहेगी, डाई मीन्स टू एंड ट्रिप्लो मीन्स थ्री जर्म्स लेयर्स आर देयर। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली विजिबल भी है स्टूडेंट, दिस इज द आउटर मोस्ट जर्म लेयर डेट इज नोन एज एक्टोडर्म। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कोई मीजोडर्म लेयर दिखाई नहीं दी है, यहाँ पे क्या हो गया, खाली हमारा क्या गया, एक हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड वाला एक सेल आ चुके हैं जिसको हमें नहीं पता लग पा रहा है ये क्या है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, डेट इज मीजोग्लिया, ठीक है। इट मीन्स डेट कंटेनिंग दिस अनडिफ्रेंशिएटेड योर स्पेस डेट इज मीजोग्लिया। फिर उसके बाद अंदर की तरफ बिल्कुल आप जाते हो कि वहां पे आपको दिखता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल जिसको हमने बोल दिया स्टूडेंट एंडोडर्म। तो हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हमारे यहाँ पे क्या है, दो ही जर्म लेयर्स विजिबल हो पा रही हैं, डेट इज एक्टो एज वेल एज एंडो। फिर हम अगर इस डायग्राम की तरफ देखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे हमें क्या है, आउटर मोस्ट में एक्टो में हमारी लेयर काफी सारे सेल्स दिख रहे हैं और काफी हमारी लेयरिंग दिख रही है, तो हमें वेल डेवलप्ड एक्टोडर्म दिख रही है। फिर हम आते हैं यहाँ पे सेंटर की तरफ, यहाँ पे हमारे सेल्स पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है और हमें आराम से विजिबल हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट मीजोडर्म, ठीक है। तो मीजोडर्मल लेयर भी बोल देते हैं इसको। फिर आपको इनर मोस्ट की तरफ दिखेगा, दीज आर ऑल्सो द डिफ्रेंशिएटेड सेल्स,
एंड डेट इज कंटेनिंग दिस वन एंड दिस लेयर इज नोन एज द एंडोडर्म। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी तीनों लेयर प्रेजेंट रहेगी, डेट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड विच कंटेन्स ओनली दीज टू लेयर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने डिप्लो ट्रिप्लो किस बेस पे किया है। अब आ जाइए स्टूडेंट इन विच एनिमल्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, तो एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज जर्म लेयर ऑल्सो। तो रिमेंबर दिस वन, हमारा फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट क्या था स्टूडेंट, पोरीफेरा जिसको हम स्पॉन्जी भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज सिलेंट्रेट्स, ठीक है, थर्ड वन इज टीनोफोरा। तो हमारे पहले तीन फाइलम के अंदर हमेशा स्टूडेंट रिमेंबर दिस वन डेट इज डिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स स्टार्टिंग के जो थोड़े से अनडेवलप्ड एनिमल्स आते हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर रहेगी, ओनली योर एक्टो एंड एंडोडर्म। क्लियर? तो हमारे स्टार्टिंग के जो तीन फाइलम्स आए हैं दैट एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी के जो हमारे बच गए एनिमल्स आफ्टर दिस टीनोफोरा, योर प्लैटी टू योर कॉर्डेट्स, दैट इज कम्प्लीटली ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स जैसे जैसे एनिमल की फिजियोलॉजी डेवलप होती जा रही है, एनिमल्स के सिस्टम प्रोलोंग होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म आउट दीज थ्री लेयर, दैट्स वाई वी कॉल इट ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द जनरल वन करेक्टेस्ट ऑन द बेसिस इट, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वन, यू हैव टू रिमेंबर तीन जर्म लेयर क्या होती है एंड विच एनिमल्स कंटेन्स ओनली दीज टू जर्म लेयर्स, ठीक है, एंड विच अकॉर्डिंग टू विट क्लासिफाइड। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन करेक्टेस्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। अनदर वे मैथड या अनदर वन रीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टू दीज फाइलम्स इज देयर कम्प्लीटली सिलोम, यू कैन से बॉडी कैविटी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिलोम भी बोल देते हैं या हम वो बीच के इनकी बॉडी कैविटी भी के नाम से भी बोल देते हैं, बॉडी कैविटी। तो अनदर रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स इन टू 11 फाइलम इज द बॉडी कैविटी, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमें पीछे हम पढ़ के आए हैं दैट इज योर कम्प्लीटली जर्म लेयर, ठीक है। पीछे वाले करेक्टर में आपको यही बताया था कि देर आर थ्री जर्म लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर्मेशन, दैट इज एक्टो, विजिबल है यहाँ पे भी आपको डायग्रामेटिकली, ठीक है, ये वाली आपको दिख रहा है हमारी ट्रिप्लो वाली, एक्टो है, फिर ये मीजो वाली आई थी और इनर मोस्ट इज एंडोडर्म। तो भाई हमें यह चीजें अभी पढ़ के आए हम, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, ये जर्म लेयर होती है जो बनती है एनिमल्स के अंदर। अब आ जाइए, हमने क्या किया है, जिस भी एनिमल के जर्म लेयर्स के बीच में हमारे बॉडी वॉल्स और उनके बीच में कोई भी स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा उसके बेस पे भी हमने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है, आइदर दे आर ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट, जिनको हम यू सिलोमेट भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ए का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट है, वो एनिमल जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं आ रही, हमें यहाँ पे डायग्रामेटिकली विजिबल भी है, यहाँ पे कोई भी बीच में सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं दिख रही है, बीच में सेंटर में हमारा क्या रहता है, कम्प्लीटली ल्यूमेन, डेट कंटेन्स द सेंटर वन पार्ट। लेकिन हम इन लेयर्स के बीच की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एंडो से लेके एक्टोडर्म के बीच में, यहाँ पे हमें कोई भी होलो या बॉडी कैविटी विजिबल नहीं है, दे आर टाइटली बाइंड टू ईच अदर। एक्टोडर्म लेयर आ गई, हमारी मीजो आ गई और एंडोडर्म लेयर आ गई, दे आर टाइटली बाइंड, देर इज नो फ्री होलो स्पेस बिटवीन दीज वन। तो हम इनको क्या बोल देंगे स्टूडेंट, ए सिलोमेट, मीन्स सिलोम इज एबसेंट इन दीज। तो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि हमारे ऐसे कौन से एनिमल है जिनके अंदर जर्म लेयर के बीच में कोई भी सिलोम नहीं होता है, दैट इज ए सिलोमेट एनिमल्स कौन से हैं। तो वो है हमारे स्टूडेंट, रिमेंबर दिस वन, दैट इज प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दिस इज द ओनली वन फाइलम दैट इज कंटेनिंग, जिसको हमने प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट, तो दिस इज द ओनली वन फाइलम विन विच द एनिमल्स डजंट पोजेस आउट एनी सिलोम, यू कैन से बॉडी कैविटी, एंड दे आर नोन एज ए सिलोमेट, डेट इज यूर प्लेटी हेलमिंथस वोम्स। जितने भी हमारे इसमें वोम्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है, ए सिलोमेट है। चलिए सेकेंड हमारा रीजन आता है स्टूडेंट रिगार्डिंग द स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रखिए फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स को बोला गया,
फॉल्स का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी रहेगी लेकिन दैट इज नॉट द क्लियर वन. ठीक है, तो यहां पे आपको डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है, यहां पे हमने बात की थी आउटर मोस्ट जर्म लेयर को क्या बोला था स्टूडेंट? एक्टो. फिर हमारी आती है यहां पे क्या, ये मीजो, और ये बीच में हमारी एंडो. तो हमें एक्टो, मीजो एंड एंडो क्लियरली विजिबल है. लेकिन हम जैसे इधर की तरफ देखते हैं, मीजो में हमारे क्या है, लेयर कंप्लीटली पैक्ड थी. लेकिन यहाँ पे जो मीजोडर्म है वो हमारी इस तरीके से ना हो कि कैसे आ रही है, स्कैटर्ड फॉर्म में आ रही है. देख रहे हैं ना, स्कैटर्ड दिख रही है पाउच की फॉर्म में अलग अलग. तो हम देख रहे हैं कि एक्टो और एंडो के बीच में जो मीजोडर्म है वो हमारे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दे आर नॉट कंप्लीटली बाउंड. तो उनके बीच में खाली जगह जगह स्पेस आता है जिसको हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट? सीडोसीलोम. इट मीन्स मिजोडम इज प्रेजेंट बट नॉट द कंप्लीट वन, दैट इज द फॉल्स वन. दैट्स वाई वी कॉल इट सीडोसिलोमेट. ठीक है, तो हम इसमें वो एनिमल्स को कंसिडर करते हैं जिनके अंदर मिजोडम लेयर रहेगी लेकिन वो पूरी तरीके से बाउंड ना हो के स्कैटर्ड होगी, तो दैट इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट. और ये हमारी आती है नेक्स्ट वन ऑफ दीज वन. प्लेटी से नेक्स्ट कौन सा आया था हमारा? एस्कलमिंथस, जिसको निमाटालमिंथस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे राउंड वर्म्स आते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे फ्लैट वर्म्स आए थे, यहाँ पे राउंड वर्म है. आपको आसानी रहेगी ऐसे याद करने में. ठीक है, फ्लैट इन कंटेनिंग द योर कंप्लीटली नो सिलोम एंड योर राउंड वर्म डेट कंटेन्स ए स्कैटर्ड फॉर्म टाइप ऑफ योर सिलोम इन द मिजोडम लेयर. चलिए, ये हमारी एस्कलमिंथस में होगी. अब आज ये बाकी के बच्चे जो बच गए हैं हमारे, मीन्स एनलेड, हमारे आर्थ्रोपोड, मोलस्क, ये ठीक है, उन सब के अंदर क्या आ जाती है हमारी? कंप्लीटली सिलोमेट आता है. सिलोमेट का मतलब दैट पोजेस आउट द ट्रू सिलोम, जिसके अंदर हमारा पूरी तरीके से क्या दिखता है, सिलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं हम सिलोमेट या यू सिलोमेट. तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्टोडर्म इज देयर, दैट इज एंडोडर्म एंड इनर मोस्ट देयर इज नो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ योर मीजोडर्म. इट मीन्स द कंप्लीटली बॉडी कैविटी सिलोम इज विजिबल इन दिस डायग्राम. तो हमने स्टूडेंट इसको क्या बोल दिया है? वी कॉल इट सिलोमेट. मीन्स वो जानवर जिसमें पूरी तरीके से मीजोडर्म के अंदर सिलोम दिखाई देगा. ठीक है, बॉडी कैविटी विजिबल रहेगी, वी कॉल इट सिलोमेट. ठीक है, तो रिमेम्बर दिस वन. हमारे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, हमारे मोलस्क, ठीक है, फिर इकाइनो, हैमी, इकोडेटा, दे ऑल कंटेनिंग दिस वन टाइप ऑफ यूअर बॉडी कैविटी अपियरेंस. दैट्स वाई दे आर नोन एज सिलोमेट एनिमल्स. क्लियर? फिर हमने स्टूडेंट, मैंने आपको मेंशन भी किया था, वी ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलोम, वेदर इट इज स्प्लिटेड इन ए मास फॉर्म और वेदर इट इज फ्यूज फॉर्म. ठीक है, दैट इज स्काइजो एंड एंटीरो, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लेक्चर. सो दीज आर द बेसिक वन, यू आर रिमेम्बर अबाउट दीज वन, द रीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स एज अकॉर्डिंग टू यू, यू ऑलवेज वॉन्ट टू नो. चलिए, बाय स्टूडेंट्स.